आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार ओके लिख दीजिए। नो साउंड, आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार ओके लिख दें सभी बच्चे। चलिए सही है। तो हम लोग आज क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इस क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग देखें कि जो भी क्रांतिकारी रहे उन्होंने अपने माता से भी बढ़कर भारत माता को माना और जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद माना, और वह मकसद था भारत की आजादी। हंसते हुए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिए, मेरा रंग दे बसंती चोला कह के हंसते हुए फांसी पर झूल गए। और आज उन क्रांतिकारी वीरों का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे उन लोगों का एक ही जोश, एक ही जुनून था, बस भारत मां की आजादी, चाहे इसके लिए जो भी कष्ट उठाना पड़े, जितना त्याग उठाना पड़े, प्राणों को ही निछावर क्यों ना करना पड़े। आपको भी उसी प्रकार जिस दिन पढ़ाई में एक ही चीज सिर्फ जोश चढ़ेगा, चाहे जो भी कष्ट हो, जो ही तकलीफ हो, जो भी परेशानी हो, सिर्फ हमें पढ़ना है, पढ़ना है। जब ऐसा सोच लें तो बिल्कुल आप भी क्रांतिकारी रिजल्ट एकदम करेंगे ही करेंगे। तो अब इसमें क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग देखें जरा दो चीज एकदम सबसे इंपॉर्टेंट एक बात चले, और यह चीज को हम लोग समझेंगे। आजादी के लिए दो रास्ते रहे। एक रास्ते तो ऐसे थे जिसमें नरम दल, आप नरम रास्ता है। इस नरम रास्ता में क्या है, तो रास्ते बड़ा आसान है। इसमें कोई भी आवेदन लिखकर, कोई भी तकलीफ हो तो अंग्रेजों के पास एक एप्लीकेशन लिखकर, आवेदन लिखकर, और अपनी बातों को रखते थे। ये नरम दल वाले का काम होता था। इसके बाद हम लोग देखें, आवेदन के बाद नरम वाले का एक काम और होता था। अगर कभी भी धन चाहिए, कहीं सभा कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, धन चाहिए, तो इस धन के लिए वे घर घर चंदा मांगते थे कि भाई कुछ चंदा दे दीजिए, कुछ दान दे दीजिए, इस दान से हम लोग सभी काम करेंगे। अगर कोई अंग्रेज खिलाफ कर रहे हैं, कोई परेशानी है, तो वे अंग्रेजों तक अपना, कई उनके हथियार हैं, जैसे अब इस हथियार में है उपवास के द्वारा, इसमें पैदल यात्रा के द्वारा अंग्रेजों का ध्यान आकृष्ट कराना कि देखिए हम भारतीयों की ऐसी परेशानी है जिसको आप दूर कीजिए। वहीं दूसरी ओर जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिनको हम गरम दल के लोग कह रहे हैं, इन्होंने सीधा ये आवेदन को भिखमंगी कहा। इन्होंने कहा कि बस अंग्रेज एक ही चीज से सुनेगा, और वह है बम और गोली की भाषा। बम और गोली, इसके द्वारा ही मेन हम लोग का सिस्टम अपनी बात रख पाएंगे। धन चाहिए तो हम चंदा दान करके भिखमंगी नहीं करेंगे, धन चाहिए तो हम एक ही काम करेंगे, अंग्रेजों का ही धन लूटेंगे। या तो कहीं बैंक डकैती करेंगे, या कहीं पैसा जा रहा है तो वो छीनेंगे, क्योंकि वह पैसा भारतीयों का पैसा है, और उसी धन को हम छीनेंगे, तब जाकर के हमारा ये भरपाई होगा। और हम उपवास, पैदल यात्रा ये सब नहीं करेंगे, हम किसी घटना को अंजाम देंगे। जो भी बदनाम ऐसा अंग्रेज अधिकारी होगा, जो भारतीयों के प्रति विद्वेष की भावना रखता होगा, हम उसकी हत्या करेंगे। यह सब देखिए मेन दोनों के प्रोग्रामिंग में अंतर रहा। तो हम लोग गांधी जी के साथ साथ पूरे चरण जो पढ़े, इधर का चरण पिछले क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं। अब आज के क्लास में हम लोग देखें, ये जो गर्म पंथी है, इस गर्म पंथी से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इधर से भी आना ही आना रहता है। अब इसके भी कुछ चरण है। सबसे पहला जो चरण रहा है, बंगाल विभाजन से पहले का चरण, 1905 के पहले। इसमें क्रांतिकारी लोग इस समय भी रहे हैं, लेकिन इसमें घटनाएं थोड़ी कम हुई। 1905 के बाद ये घटना में और वृद्धि हो गया। फिर इसके बाद जब यह घटना काफी बढ़ गया,
काफी ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन आप पढ़ेंगे 1905 के बाद हो, बीच में फिर जब गांधी आएंगे तो गांधी के साथ लोगों को विश्वास होगा, असहयोग आंदोलन में भी लोग साथ देंगे, लेकिन महज कुछ अंग्रेज पुलिसकर्मी के मरने से जब महात्मा गांधी चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे तो फिर क्रांतिकारियों को लगेगा कि इधर कांग्रेस में रहने से कुछ नहीं होगा और कांग्रेस से उनका भी मोह माया भंग होगा और वे लोग फिर इस घटना में वृद्धि करेंगे। तो यहां पे जो घटनाएं हैं, हम चाहते हैं एक बार बढ़िया से सभी लोग इस घटना को समझिए और इस घटना को खूब बढ़िया से समझने के बाद तब आपसे अंतिम क्वेश्चन करेंगे, आप खूब अच्छा से इसमें जवाब दे पाएंगे। देखिए, सभी लोगों से हम चाहेंगे कि इस घटना इवेंट को जरा ध्यान दीजिए। घटना का नाम इसमें है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और हमने बताया कि 1905 के पहले की यह घटना है, 1897 की घटना। यह घटना क्या है वो जरा ध्यान दीजिए। घटना क्या हुआ है कि महाराष्ट्र, जो पूना आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो पूना है, इस पूना में प्लेग नामक भयंकर बीमारी 1896-97 में फैला। अब इस समय जैसे अभी कोरोना का आप दौर देखे तो कोरोना जैसा ही प्लेग होता था, जिस व्यक्ति को प्लेग हो गया वो अगर मर गया तो उससे अगले व्यक्ति संक्रमित हो सकते थे और इसके लिए उस समय भी बहुत सावधानी बरती जाती थी और यही प्लेग के रोग में, यहां पर प्लेग कमिश्नर का नाम रैंड है, प्लेग कमिश्नर रैंड है, रैंड प्लेग के कमिश्नर हैं, इनके पास पूरा पावर फोर्स सभी, और इनकी ड्यूटी थी कि लगभग जो भारतीय है उनको आप कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, ये रोग रोकने में मदद कीजिए। इन्हीं के एक लेफ्टिनेंट हैं एअर्स्ट, ये दोनों ही प्लेग के लिए बहुत ज्यादा मेन ऊपर पद पे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, प्लेग के नाम पर लोगों के घर में रात में भी छापेमारी करना कि आपके यहां किसी को प्लेग है, ऐसा खबर है, किसी को भी ऐसा भारतीयों को तंग करना। एक कमिश्नर रेंड जो प्लेग के समय उचित होना चाहिए कार्रवाई, इसने नहीं किया और भारतीयों की फजीहत की और भारतीयों को तंग किया। इसी कारण से, इसी का साइड रिएक्शन क्रांतिकारी चापेकर बंधु ने दिखाया। इस चापेकर बंधु में तीन भाई हैं, एक का नाम है दामोदर हरी चापेकर, दूसरा है बाल कृष्ण हरी चापेकर और तीसरा है वासुदेव हरी चापेकर। तीनों में हरी चापेकर लगा है, दामोदर, बाल कृष्ण और वासुदेव। इस चापेकर बंधु तीनों मिल करके और इन्होंने कमिश्नर रैंड और इस लेफ्टिनेंट के हत्या का पूरा प्रोग्राम बैठा लिया और जब पूरा प्रोग्राम इन्होंने बैठा लिया तो इन्होंने प्रोग्राम क्या किया, जब महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के डायमंड जुबली 25वां वर्षगांठ था और उसी पे पूना में गवर्नमेंट हाउस के प्रोग्राम में ये सभी लोग आए हुए थे और उसी से जब ये निकल रहे थे तो निकलते समय ये चापेकर बंधु ने 22 जून 1897 को इन पर बम चलाया और जब इन पर गोली दागा, बम चलाया, तो इस गोली में लेफ्टिनेंट एहर्स्ट की तुरंत मृत्यु हो गई, घटना स्थल पे स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन जो कमिश्नर रैंड था ये घायल हो गए और घायल अवस्था में इसे हॉस्पिटलाइज किया गया और कमिश्नर रैंड भी 3 जुलाई 1897 को इसकी भी मृत्यु हो गई और इसीलिए चापेकर बंधु को मृत्यु दंड दिया गया, फांसी की सजा दी गई। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, बंगाल विभाजन के पहले ये कमिश्नर रैंड की हत्या का कारण प्लेग के एक कमिश्नर रहे हैं और प्लेग के समय जो भारतीयों को सुविधा चाहिए था वो सुविधा न देकर
उल्टा भारतीयों को इन्होंने तंग किया, इसीलिए इसकी हत्या कर दी गई। तो अब हम लोग ये पूरे लाइन क्लियर हो गया, चापेकर बंधु को भी आप देख लिए। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका है, यह है किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास, 1908 की घटना है। बंगाल विभाजन के बाद हमने आपको बताया कि पूरे बंगाल विभाजन के बाद गरम दल के जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं, उसमें काफी वृद्धि हो गई। और उसी में एक घटना है, एक जज है किंग्सफोर्ड। अब देखो ये जज साहब का काम क्या था। ये जो किंग्सफोर्ड जज है, ये कलकत्ता के एक मजिस्ट्रेट थे, थोड़ा कम पावर में ही मजिस्ट्रेट है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कलकत्ता में थे। लेकिन ये किंग्सफोर्ड बदनाम क्या थे, किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को अगर एक केस इनके पास आता तो कठोर से कठोर उसको पनिशमेंट देते। दूसरे जज जहां 1 साल का कैद देते तो ये अपना आजीवन कारावास डाल देते। इसके चलते जो भी क्रांतिकारी लोग थे उनको इस जज साहब से बहुत ज्यादा एक एलर्जी था कि मामला अगर किंग्सफोर्ड के पास चला गया तो यह जज तो समझो कि भारतीयों के साथ अन्याय कर रहा है। और इसी कारण से अंग्रेज बड़ा खुश थे कि हमको ऐसा ही जज चाहिए। और कलकत्ता के मजिस्ट्रेट से इनको प्रमोशन देके बिहार के मुजफ्फरपुर में इनको सेशन जज बना दिया गया। इन मजिस्ट्रेट से सेशन जज हो गए, ये परमिशन हो गई। एक बच्चे कह रहे हैं ऐसा क्यों करते थे, हर व्यक्तियों का अपना अपना विचार होता है। हो सकता है दीपाली जी आप ही को जज बना दे और आपके मन में किसी खास अंग्रेजों के लिए या दूसरे देश के लिए अंदर से विद्वेष है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई मुकदमा भारतीय ने कोई सजा किया तो कम पनिशमेंट, अंग्रेज ने गलती किया अधिक पनिशमेंट, क्यों आपको ऐसा एलर्जी है इसीलिए। और इसी कारण से ये जो किंग्सफोर्ड है, ये बदनाम जज है भारतीयों के लिए, अंग्रेज बड़ा खुश है कि नहीं ये तो बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और इसी कारण इसको मजिस्ट्रेट से सेशन जज बिहार के मुजफ्फरपुर में बना दी। अब जब मुजफ्फरपुर में जज बने तो अब जज बनने के बाद अब सेशन जज जब बने तो यही कलकत्ता के दो व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम है खुदूराम बोस और दूसरा है प्रफुल्ल चाकी। अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों कलकत्ता से मुजफ्फरपुर आए कि हम किंग्सफोर्ड की हत्या करेंगे। और किंग्सफोर्ड के रूटीन इन्होंने बढ़िया से देखा कि किंग्सफोर्ड किस प्रकार से निकलता है, कैसे आता है, कैसे जाता है। और इसी कारण से दोनों कम उम्र के अभी लड़के हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों बम लेकर के और देखे कि घोड़ा की बग्गी से किंग्सफोर्ड निकलता है। और ये दोनों 30 अप्रैल 1908 को अपना बम तैयार रखे, घोड़े वाले बग्गी से जब इन लोग चलना शुरू किए तो उस बग्गी पर इन लोगों ने बम फेंक दिया और बम पटकने के बाद दोनों ही आराम से भाग गए और ट्रेन पकड़ ली। मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ के इन लोग अपना निकल चले। अब जब ट्रेन पकड़ लिए तो सुबह में अब चर्चाएं होने लगी कि किंग्सफोर्ड के बग्गी पर बम फेंका गया जिसमें उस दिन किंग्सफोर्ड सवार ही नहीं था, उसके यहां जो गेस्ट आए थे मिस कैनेडी, दो महिला सवार थी और दोनों महिला मारी गई। अब देखिए ट्रेन में तो कोई घटना का चर्चा होने लगता है, अब यहां पे इन लोग ट्रेन में इस सोच के बैठे थे, खुश थे कि हम लोग किंग्सफोर्ड को मार दिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ था दुर्भाग्य इनका कहिए, किंग्सफोर्ड उ बग्गी में नहीं बैठ के उस दिन उनके यहां एक महिला आए थे मित्र, और उसी मित्र को वो गाड़ी से छोड़वा रहे थे। इन लोग को लगा कि ये बग्गी तो किंग्सफोर्ड का है और इसीलिए बम मारे, गलती से दोनों महिला मर गई, किंग्सफोर्ड उस दिन निकला ही नहीं था। और इसीलिए हत्या का प्रयास शब्द लिखा हुआ। अब देखिए जज साहब निकले ही नहीं,
और जैसे ही ट्रेन में चर्चा हुई तो अब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के मुंह से निकल गया कि आ ऐसा कैसे हो गया, बम तो उसी पर फेंका गया था। और जब ऐसा ही बोले तो सामने ही एक बैठा हुआ अंग्रेज पुलिसकर्मी था, उसने इन लोगों के चेहरा और भाव देख के समझ लिया कि अपराधी यही है, और इसीलिए अगले स्टेशन पर ये दोनों को पकड़ने के लिए उसने प्रयास किया। और जैसे ही प्रयास किया, प्रफुल्ल चाकी देख लिए कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद अपना पिस्तौल निकालकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया कि अंग्रेजों के पास पकड़ाने से अच्छा है खुद मर जान। और देखिए, प्रफुल्ल चाकी खुद आत्महत्या कर लिए, खुद मर गए, और खुदीराम बोस जान के आश्चर्य होगा सबसे कम उम्र में, केवल 17 साल कुछ महीने, 17 साल का लड़का खुदीराम बोस है। और खुदीराम बोस पकड़े गए, अंग्रेजों ने खूब यातना दिया, खूब कष्ट दिया कि बोलो तुम्हारे साथ और कौन है, टीम में कौन है, कैसे तुम यहां पर आया। लेकिन खुदीराम बोस एक शब्द भी आवाज नहीं निकाले कि क्यों ऐसा हुआ, हम क्यों बम मारे, कौन हमारा ग्रुप में है, कौन बम दिया, कुछ नहीं बोले। अंग्रेज अंतिम थक के खुदीराम बोस को यही 18 अगस्त को फांसी की सजा दे दिया। अब देख लीजिए, सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस हुए। ये पहली बार देखिए सबसे कम उम्र में देश के लिए मुस्कुराते हुए मर रहे हैं, किस लिए, बदनाम जज को ठीक करने के लिए, ताकि अगला जज समझे कि अगर हम भारतीयों के खिलाफ लगातार हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर भी बम चलेंगे। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, किंग्सफोर्ड हत्याकांड, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की आपने कहानी सुनी। अब कभी भी खुदीराम बोस का काम आएगा तो आप समझ जाओगे किंग्सफोर्ड की बात होगी। किंग्सफोर्ड कौन है तो आप समझ गए कि किंग्सफोर्ड कोलकाता का ही एक मजिस्ट्रेट है जिसको सेशन जज बना के मुजफ्फरपुर भेजा गया। तो अब बिल्कुल 11 अगस्त ही होगा, 11 अगस्त 1908 को फांसी मिला है, 18 वर्ष के उम्र लगभग पूरा कर रहे थे। अगला नंबर देखिए जरा, एक और इंपॉर्टेंट है, और यह है जैक्सन हत्याकांड। ध्यान दीजिए, जैक्सन साहब को जरा ध्यान से समझेंगे। ये जैक्सन भी एक अंग्रेज है, और ये जैक्सन नासिक के कलेक्टर है, डीएम है, और उस समय जो डीएम होते थे जिलाधिकारी, उनका मेन काम होता था राजस्व वसूली करना। और ये कलेक्टर साहब जो जैक्सन है, बड़ा बेरहम, भारतीयों के साथ एक बड़ा बेरहमी से पेश आते थे। और इसी कारण से जैक्सन साहब की जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर के बाद इनके विदाई कार्यक्रम नासिक में रखे गए, और वहां कई जो क्रांतिकारी हैं वो तो इस तलाश में होते थे कि जो व्यक्ति सही नहीं है उसको सजा दे, नाम ही कलेक्टर है, कलेक्ट करने वाला। और इसी कारण से अब विदाई समारोह में कोई नहीं जानता था कि इनकी नासिक से हमेशा के लिए विदाई हो जाएगी। क्यों ऐसा है, एक क्रांतिकारी है अनंत कन्हरे, और अनंत कन्हरे को इस बात की तकलीफ है कि जो डीएम साहब जैक्सन है वे भारतीयों के खिलाफ अपनी मनमौजी करते हैं, और इसी कारण से जैक्सन की हत्या अनंत कन्हरे ने उन्हीं के विदाई समारोह में नासिक में 21 दिसंबर 1909 को कर दिया, और बाद में अनंत कन्हरे को फांसी की सजा दी गई। तो आपसे क्वेश्चन देखो यही पूछेगा, नासिक षड्यंत्र, नासिक हत्याकांड। अब आप खुद समझ रहे हो कि डीएम की हत्या करना कितना बड़ी बात होगी, और इसीलिए नासिक षड्यंत्र या नासिक हत्याकांड की बात होगी तो आप समझ लेना कि जैक्सन हत्याकांड है, और इस जैक्सन हत्याकांड के क्रांतिकारी कौन है, अनंत कन्हरे। ये जैक्सन कौन है, नासिक के कलेक्टर हैं। नेक्स्ट, अगला नंबर हम लोग चलते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीपुर षड्यंत्र केस। देखो अलीपुर षड्यंत्र केस ये बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है।
एक बार जरा बढ़िया से देखो, सबको सुन लोगे, फिर बंधन राउंड में बांधेंगे। आज क्रांतिकारी आंदोलन, आपको लगेगा कि सर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमसे बन जाएगा। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, अलीपुर। अलीपुर एक बात आप ध्यान दो, अलीपुर कोलकाता का ही नाम है, कोलकाता का ही नाम अलीपुर है, यानी अलीपुर कहने का सेंस कलकत्ता। ये क्या हुआ, इसमें ध्यान से समझे। अब कोलकाता का नाम अलीपुर है, यहां पे एक घटना हुई है, एक साल तक कुछ लोगों पर केस चला है। ये केस क्या है, अभी आपको समझाते हैं। ये बंगाल में ही अलीपुर स्थित है, चूंकि कलकत्ता का नाम है, वहां क्रांतिकारियों का एक मेन समझिए कि संस्था है, जिस संस्था का नाम है अनुशीलन समिति। अब देखो, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, ये सब कई संस्था है जो क्रांतिकारी अपनी विचारधारा को लोगों को जोड़ने के लिए ये सभी लोग यहां पे एक साथ हुए हैं। बिल्कुल अली नगर की संधि, वही आप पढ़े भी है पहले, वही अलीपुर। अब जरा देखो, अनुशीलन समिति में जो भी लोग थे, ये सभी लोग एक क्रांतिकारी लोग थे, और इसी में हेमचंद कानूनगो, हेमचंद कानूनगो, अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, करेंद्र गोसाई, सत्येंद्र चाकी, ये सभी जो आप देख रहे हो, ये सभी व्यक्ति अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अब इसी में एक घटना क्या हुई, ये लोग अमेरिका में और इंग्लैंड में गोली और बम बनाने की कला समझे कि कैसे बम बनाए जाते हैं, और ये बम बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया कलकत्ता में भी बम बनाना शुरू किया, और उधर महाराष्ट्र में भी बम बनाना शुरू किया। दो मेन सेंटर रखा, यहां और यहां। तो देखिए, कलकत्ता में भी बम बन रहे और महाराष्ट्र में भी बम बन रहे, अंग्रेज इससे बेखबर है, क्योंकि वो कोशिश करते थे कि अब बम चला, किंग्सफोर्ड पर बम चला, गोली चला, कहां से आया पता ही नहीं चले, खुदीराम बोस मुंह ही नहीं खोले। और लेकिन एक घटना क्या हुई, अरविंद घोष और बारिंद्र घोष दोनों भाई हैं, इन्हीं के घर में अचानक एक बार एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, और जब बड़ा ब्लास्ट हुआ तो वहां जो अंग्रेज पुलिसकर्मी है, जांच किए कि किस चीज का ब्लास्ट है भाई, तो देखे बम बनाने के पूरे फैक्ट्री कारखाना फिट है इनके घर में। अब बम बनाने के कारखाना है तो इनको लगा कि जाए तो बहुत बड़ा घटना यहां पर हो जाए, और इसी कारण से इस अनुशीलन समिति के इन लोग जितना का नाम देख रहे हो, इन सभी लोग को अरेस्ट कर लिया गया, और इन्हीं पर एक साल तक मुकदमा चला, जिसको अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। अब ये मुकदमा क्या है उसको समझिए, अंग्रेज जब बम बनाने का देखा कि फैक्ट्री बैठाए हुए हैं, तो ये सभी लोग को गिरफ्तार कर करके और सब लोग को प्रताड़ना दिए कि आखिर बताओ और कुछ तुम लोग किया है, और कुछ किया है तो इसमें। अब जो व्यक्ति एकदम टाइट है वो तो किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अंतिम में करेंद्र गोसाई टूटते हैं और अंग्रेजों को कहते हैं कि हम सब बता देंगे, हम सरकारी गवाह बनेंगे, हम बता देंगे कि कौन बम बनाते थे, किसको किसको मारे हैं, कहां क्या किए हैं। ये कोई हमारी साधारण छोटी जगह का घटना नहीं है, केवल ही मत समझिए कि यहां बम फूटा है, जो किंग्सफोर्ड पर जो बम चला था वो बम भी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को हम ही लोग दिए थे, वो यहीं से बम लेके गया था। अब देखिए, ये बम कांड भी यहीं से जुट गया। इतना ही नहीं, और भी इन लोगों का कई जगह पर हुआ कि इन लोग पहले भी कई घटना कर चुके हैं, ये बात समझिए कि केवल यही है। 1907 में ही बांग्लादेश के एक लेफ्टिनेंट थे फुलर, इस पर भी गोली चलाई गई थी, और वो गोली भी इसी समिति के सदस्य चलाए थे, ये भी पता चला। एक लेफ्टिनेंट थे ये फ्रेगर, ये जब ये भी काफी क्रूर थे, और जब क्रांतिकारियों को पता चला कि आज ये फलाना ट्रेन से जा रहा है, तो क्रांतिकारी कहे कि आज पटरी उड़ा दो, इसका ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, और ट्रेन एक्सीडेंट में इसको मार देना है। तो देखिए, पटरी भी उड़वाने वाले यही लोग,
अब अंग्रेज कहा कि वेरी गुड, बहुत बड़ा चीज हम पकड़े हैं, अनुशीलन समिति का जितना मेंबर है सबको पकड़ के जेल में डालो। और सोचिए, फूलर को मारने वाला, ट्रेन की पटरी उड़ा देने वाला, किंग्सफोर्ड पर बम चलाने वाला, सबका संबंध अनुशीलन समिति से था। और इसीलिए ये, अब ध्यान दीजिए, एंड्रीज फ्रीगर ही थे। अब इसमें जरा ध्यान से समझेंगे, अब इसी कारण से एक गोसाई को सरकारी गवाह इन लोग बना के रखे कि तुम गवाही दोगे तो सब लोग को सजा मिलेगी। अब ये गवाह जब बन गए तब तो सत्येंद्र चाकी बाहर थे। इन लोग अब प्रोग्राम बना रहे हैं कि मेन हम लोग का जो व्यक्ति है ये गोसाई अंग्रेजों का सरकारी गवाह बना है, इसकी हत्या निश्चित होनी चाहिए। और अनुशीलन समिति के बाकी सदस्य से सोचो, जेल में भी इन लोग अपना पिस्तौल वगैरह मंगा लिए, हॉस्पिटल में भर्ती था, और इन लोग अपने में भी लड़ाई करके जान के ऐसा सिर फोड़वाए कि हम भी हॉस्पिटलाइज हो जाए। और ये भी हॉस्पिटलाइज हुए, और बगल में ही हॉस्पिटल में ये भी भर्ती चुके, दोनों बंदी है। और ये तो जान के अपना सिर फोड़वाया था कि वहां भर्ती इसीलिए हो कि इसकी हत्या करे, उद्देश्य एक ही। अब सोचो, उस वार्ड में अंग्रेज पुलिसकर्मी भी है, फिर भी ये करिंद गोसाई की हत्या कर दिए, इनको भी मृत्युदंड दिया गया। इस पूरे जो देख रहे हो अलीपुर षड्यंत्र केस में, केवल अरविंद घोष को बरी किया गया कि ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी सबको सजा मिली। क्यों बरी किया गया? क्योंकि घोष इन्हीं का भाई, बारिंद्र घोष मेन इधर ज्यादा मिले हुए थे। अब इनका केवल घर था, इसके लिए अरेस्ट हुए थे। तो आपको पूछा जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस, तो अब आपको पूरे ए लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया अलीपुर षड्यंत्र केस का। अगला नंबर देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909 में कर्नल वायली हत्याकांड, ये भी इंपॉर्टेंट। कर्नल वायली क्या है? तो देखो, ये हत्याकांड लंदन में हुआ है। अब ये हत्याकांड देखो लंदन में है, अब कर्नल वायली कौन थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, नाम ही लगा हुआ कर्नल है, और कर्नल का मतलब ये ऊंचे पद पर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, भारत के जो विदेश राज्य मंत्री थे, भारत के जो विदेश राज्य मंत्री थे, इसी राज्य मंत्री के ही कर्नल वायली राजनीतिक सहयोगी थे। अब ये देखो, विदेश राज्य मंत्री के सहयोगी हैं, और कर्नल वायली ये विदेश राज्य मंत्री को हमेशा उल्टा पुल्टा ही सलाह देते थे। और इसी कारण से एक क्रांतिकारी है मदन लाल ढींगरा, पढ़ने के लिए लंदन गए। मदन लाल ढींगरा पढ़ने लंदन गए, और ये भी क्रांतिकारियों के विचारों से इतने ओतप्रोत थे कि अब सोचो, पढ़ने लंदन भी गए हैं तो लंदन में इनको ध्यान है कि कौन भारतीयों का अच्छा हितकारी नहीं है। और इसीलिए इन्होंने कर्नल वायली की हत्या के लिए वहीं पर डिसीजन लिया, और 1 जुलाई 1909 को इन्होंने कर्नल वायली की हत्या कर दिया, और 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंट विले जेल में इनको फांसी दी गई। देखिए, मदन लाल झिंगरा एक कर्नल वायली हत्याकांड, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर्नल वायली हत्याकांड के अंजाम देने वाले क्रांतिकारी मदन लाल झिंगरा, ये बताओ, आपसे क्वेश्चन देगा कि बताओ इसमें कर्नल वायली हत्याकांड कहां हुआ, तो जगह का नाम कहां है, लंदन। कब हुआ? 1 जुलाई 1909 को। तो अब आपको एक कर्नल वायली हत्याकांड भी बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला नंबर हम लोग जरा देखें, ये है वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास, इसी का नाम दिल्ली बम कांड। यह क्या है उसको सुनिए। जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो उन्होंने 1911 में, आपको मालूम है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। 12 में आप सभी लोग को मालूम है बंगाल से बिहार अलग कर दिया गया। और इस समय जो वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग है,
और कोलकाता से राजधानी दिल्ली बनाया गया। अब जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया गया तो ये दिल्ली राजधानी बनाने में कई लोग जो चाहते थे राजधानी कोलकाता रहे उनको तकलीफ भी हुई, और इसी कारण से इंपॉर्टेंट घटना है 23 दिसंबर 1912। अब देखो 23 दिसंबर 1912 की एक इवेंट है, घटना है। वायसराय हार्डिंग अपने पत्नी के साथ हाथी पर सवार होके, हाथी पर बैठ करके, और दिल्ली में पूरा एक जुलूस निकाल रहा था कि राजधानी यही है, और उसी दिल्ली के जुलूस में दिल्ली का एक जगह आप नाम सुने हो, इसका नाम है चांदनी चौक। अब देखिए दिल्ली के चांदनी चौक में ये पूरा जुलूस चल रहा है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, पूरे मेन महिलाओं को आगे आने दिया जा रहा है, पुरुषों को थोड़ा पीछे से ही देखना है। और इस जुलूस में चार मेन व्यक्ति हैं, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अमीर चंद। जिसमें जो मेन व्यक्ति हैं बसंत कुमार विश्वास, इन्होंने जब देखा कि दूर से रहेंगे तो दिक्कत होगी, महिलाओं का ही ड्रेस धारण किया। अब देखो महिला वाला ड्रेस पहन करके और चांदनी चौक में एकदम आगे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद जैसे ही वायसराय हार्डिंग की हाथी नजदीक आई, उस हाथी पर इन्होंने निशाना लगाकर बम फेंक दिया। और जैसे ही बम फेंका अचानक इतने तेज आवाज हुए, धुआं उठे कि पूरा हंगामा मच गया चांदनी चौक में, और ये दिल्ली बम कांड के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली बम कांड जैसे ही हुआ, अब सोचो कि हंगामा मच गया, हाथी पर बैठा हुआ जो पहलवान है, जो हाथी चलाता है जिसको महावत कहते हैं, वो उसकी हत्या हो गई। हाथी पर बैठा हुआ महावत मर गया बम से, और बम के कुछ छर्रे लॉर्ड हार्डिंग को भी लगा, हार्डिंग भी बेहोश होके नीचे गिरा हुआ है। अब देखिए हार्डिंग भी बेहोश होके नीचे, इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बम से घायल तो लॉर्ड हार्डिंग कहां, ये दिल्ली करने वाले कौन कौन, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, अमीर चंद, ये सबको फांसी दी गई। और बाकी रास बिहारी बोस जो देख रहे हो, ये मेन क्रांतिकारियों को एनर्जी देने वाले थे, ये जापान भाग मेन एनर्जी देने वाले जो है, ये जापान भाग। और लॉर्ड हार्डिंग बाद में हॉस्पिटलाइज होता है और फिर ये स्वस्थ होता है। तो जिसने पहली बार दिल्ली राजधानी कराया, हाथी पर देखो महिला का ड्रेस धारण करके बसंत कुमार विश्वास ने बम फेंक दिया। तो अब देखिए ये वायसराय हार्डिंग का दिल्ली बम कांड भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अगला नंबर यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काकोरी कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काकोरी कांड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोग जानते हो काकोरी कहां है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, काकोरी कहां है जल्दी से आंसर दें। तो काकोरी एक रेलवे स्टेशन है, और ये रेलवे स्टेशन आप जान रहे हो किस राज्य में है, तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ जिला के काकोरी एक रेलवे स्टेशन है यूपी में। वेरी गुड। तो उत्तर प्रदेश में ये एक रेलवे स्टेशन है, इसमें हुआ क्या, हमने पहले भी बताया कि गरम पंथी लोगों का एक ही चीज था, अंग्रेज से ही पैसा लूटना, भारतीयों से नहीं मांगना, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को लूटे हैं तो हम अंग्रेज को ही लूटेंगे। और इसी कारण से क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी मिल करके, और यहां पर जब उन्हें मालूम चला कि इस ट्रेन से पैसा जा रहा है, तो इन लोग काकोरी स्टेशन पर ही भैकम काटे, और भैकम काट के ट्रेन से जो अंग्रेजों का खजाना जा रहा था वो पैसा को लूटने का काम किए काकोरी कांड में। बाद में अंग्रेज इसमें सभी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद ध्यान दीजिए, ये अरेस्ट करने के बाद सभी को यहां पे अरेस्ट किया, ये 25 ही होगा,
ये अरेस्ट किया, और 1925 में काकोरी कांड है, डेट यहां 9 अगस्त 1925 लिखा हुआ है। अरेस्ट करने के बाद इसमें कई व्यक्तियों को फांसी दी गई, इसी में मेन रूप से चंद्रशेखर आजाद हैं, जो भागे हुए हैं, जिन्होंने अपना नाम के आगे आजाद लगाया है, उनके बारे में भी हम लोग सुनेंगे। तो काकोरी कांड एक रेल में हम लोग देखे कि धन वाला मेन काम हो गया। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉन्डर्स हत्याकांड। देखो सॉन्डर्स हत्याकांड के बारे में हम लोग जरा ध्यान दें, सॉन्डर्स कौन है? तो आपको सभी लोग को एकदम ध्यान रखना है कि सॉन्डर्स क्या है। तो आपको मालूम है कि जब साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ, और यही साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, तो साइमन कमीशन के भारत आगमन पर पंजाब केसरी, आप सब लोग नाम जानते हो, लाला लाजपत राय। देखिए ध्यान से, लाला लाजपत राय, इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध करने का डिसीजन लिया, और साइमन गो बैक का बुलंद किया इन्होंने नारा। और जब साइमन गो बैक का इन्होंने नारा बुलंद किया, तो इसी में वहां के एसपी जो है, उस एसपी का नाम है जेम्स स्कॉट। इस जेम्स स्कॉट ने गोली, इसमें लाठी चार्ज का आदेश दिया, और इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल होकर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उस लाला लाजपत राय के मृत्यु के समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी भीड़ में थे, लेकिन पुलिस ने इतनी बढ़िया मोर्चा बंदी कर रखी थी कि बेचारे सभी चिल्लाते रहे, लाला जी लाला जी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाए। और इसी कारण से लाला लाजपत राय तो मर गए, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी लोग कहे कि देखिए हमारे गुरु की हत्या 17 तारीख को हुई है, तो हम लोग एक डेट चुनते हैं, और ये डेट 17 का ही होगा। और 17 का ही डेट चुना गया, और 17 तारीख का डेट 17 दिसंबर 1928। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये सभी तैयार हो गए कि जो मेन दोषी है वो एसपी है, और एसपी का नाम जेम्स ए स्कॉट है, उसकी हत्या करना है। लेकिन यहां भी उस दिन सहायक पुलिस अधीक्षक, असिस्टेंट पुलिस जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट है, यह इसका नाम है सॉन्डर्स, और यह सॉन्डर्स उस गाड़ी में था, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इस सॉन्डर्स की हत्या किए लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेने के लिए। और यह 17 दिसंबर 1928 को मेन मारना था स्कॉट को, लेकिन मारा गया सॉन्डर्स। और सॉन्डर्स हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोग को कोई जान नहीं पाया कि वही लोग, इन लोग अपना निकल गए। बाद में आपको मेन चीज आप जानते हैं, भगत सिंह को लगा, अब देखो समस्या क्या है, एक एसपी का मारना आज के डेट में भी समझ सकते हो कितना टफ काम, आज के डेट में भी कोई अगर कहीं एसपी मर जाए तो जिस गांव के बगल में मरेगा उस गांव के सभी पुरुष भाग चलेंगे, केवल महिलाएं रहेंगे, पुलिस इतनी टॉर्चर करेगी उनको, वो तो अंग्रेजों का समय था। और इसीलिए केवल यह मालूम चला कि जवान लोग कुछ थे, सभी जवान लोग को पकड़ा गया, भगत सिंह भी पकड़ा के आए हैं, सबकी पिटाई हो रही है, बाकी के महिलाएं माताएं हल्ला कर रही है कि पता नहीं कौन मारा, मेरा बेटा पिटा रहा है। और माहौल ऐसा था कि अगर उस समय भगत सिंह कहते कि हम मारे हैं, तो बाकी महिलाएं कहती कि मेरा बेटा को क्यों पिटवाया, हम लोग का इतना बेटा निर्दोष क्यों मारा जा रहा है। सब भगत सिंह उस समय शांत रह गए, पता नहीं चला, और सॉन्डर्स हत्याकांड दब गया, कुछ पता नहीं चला। कारण अब आप समझ गए कि यहां पर मारने के बाद तुरंत इन लोग निकल गए, तो कौन मारे पता ही नहीं चला। कुछ समय के बाद आप मालूम है संसद भवन में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित हो रहा था जो मजदूरों के खिलाफ था, और भगत सिंह अपने साथियों के साथ प्रोग्राम बनाए कि हम लोग संसद भवन में बम पटकेंगे, क्यों, ताकि पब्लिक सेफ्टी बिल जो पारित हो रहा है इसमें बम पटकने से अंग्रेज
यहां पे परेशान होंगे और हम बताएंगे कि अंग्रेज ये मत समझो कि मजदूरों के तरफ से कोई नहीं, हम मजदूरों के तरफ से हैं। और यही कारण से बाकी साथी पूछे कि बम पटकेंगे और पकड़े गए तब, तो भगत सिंह कहे कि हम लोग पकड़े ही जाएंगे। और अंग्रेजों का कानून है कि यदि बम पटकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं है तो आजीवन कारावास नहीं हो सकता है, और हम लोग बम किनारे में पटकेंगे और अंग्रेज को बताएंगे कि मेरा बम पटकने का उद्देश्य मारना नहीं सिर्फ सुनाना है बाहरों को, तो सजाए कम मिलेगी ये निश्चित। और इसी कारण से यही सोच के भगत सिंह बम पटके, और इस बम पटकने में भगत सिंह पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो भगत सिंह की ख्याति काफी बढ़ गई, काफी नाम हुआ कि एक व्यक्ति है जो मजदूरों के लिए बम पटका संसद भवन में और पकड़ा गया। और बाद में अंग्रेज ये परेशान हुए कि बम पटकने वाले व्यक्ति की इतनी ख्याति हुई, तो बाद में भगत सिंह तो गए थे कि संसद भवन में बम पटकने का केस चले, कुछ दिन की सजाएं होगी छूट जाए, क्यों? क्योंकि बम पटकने का उद्देश्य मेरा मारना नहीं है तो आसान है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हम पहचान लिए, संसद भवन में जो बम पटका गया है वह वही तरह का बम है जो सॉन्डर्स हत्याकांड में प्रयोग किया गया है, और दोनों बम एक जैसा होना ये बताता है कि सॉन्डर्स हत्याकांड करने वाले जवान दूसरे कोई नहीं है, यही है। और गए थे कि हमें संसद भवन में बम पटकने का एक छोटा केस चले, लेकिन इन पर सॉन्डर्स हत्याकांड का केस चला दिया गया। और यही 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, और इन्होंने भी मेरा रंग दे बसंती चोला कहके एकदम हंसी खुशी से फांसी के फंदे को चुमा। तो देखिए भगत सिंह के इस सौंदर्य हत्याकांड को हमने समझा, कैसे किस लिए जेल गए भगत सिंह, इस मामले में गए नहीं थे, गए थे इस मामले में, जबरन उस मामले को चला करके इनको फांसी दी गई। अब यहां पे नेक्स्ट हम लोग स्टेप चलते हैं, यह देखो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये शस्त्रागार डकैती कांड। एक मेन व्यक्ति है सूर्य सेन, बंगाल के ही है, और सूर्य सेन जो बंगाल के आप व्यक्ति देख रहे हो, इन्होंने अपने बंगाल में काफी व्यक्तियों का एक टीम बनाया। जब काफी साथियों का टीम बन गया तो इन्होंने टीम को एक वर्क दिया कि अब हम लोग आदमी तो खूब हो गए, अब हम लोग को चाहिए हथियार, हथियार रहेगा तब तो फायदा होगा। तो कहां शस्त्र रखे जाते हैं, राइफल, गोली, बम, हम लोग वही हमला करेंगे, और वही हमला कर करके और हम लोग उन सिस्टम से पूरा एकदम सही करेंगे। और सूर्य सेन के नेतृत्व में बंगाल के चटगांव में, ये अभी बांग्लादेश में चला गया, अब बंगाल के चटगांव में जो बांग्लादेश में है, इन्होंने अंग्रेजों के जहां शस्त्र रखे जाते हैं वही डकैती के लिए पूरे दल बल से धावा बोल दिया। और 18 अप्रैल 1930 को चटगांव बांग्लादेश में पूरे दल बल से जब धावा बोले तो इन्हें राइफल तो मिल गया लेकिन गोली नहीं मिल पाया, गोली अंग्रेज कहां रखे ये नहीं मिल पाया इनके दल को, राइफल इनको काफी मिल गया, बम नहीं मिल पाया, गोली नहीं मिल पाया, लेकिन अब खाली राइफल लेके क्या करें। बाद में इनके पूरे टीम को अंग्रेज चारों तरफ से घेर लिया, दोनों ओर से गोलीबारी हुई, और इसमें सूर्यसेन के कई साथी मारे गए, कई पकड़े गए, अंग्रेज भी काफी हताहत हुए, और अंततः सूर्यसेन जो देख रहे हो सबसे ज्यादा इस पर अंग्रेज कितना गुस्सा में होगा इतना ही से समझ लो, इतना ही से समझ लो केवल एक बात से कि जिस सूर्यसेन का हम नाम ले रहे हैं अंग्रेज उससे इतना गुस्सा में था कि सोचिए इनको फांसी की सजा दी गई थी और अंग्रेज फांसी देने के पहले हथौड़े से इनका दांत तोड़ दिया, पूरे एक एक नाखून उखाड़ दिए, और जब बेचारे इतने असहनीय पीड़ा से बेहोश अवस्था में थे तो उस बेहोशी में इनको फांसी पे लटकाया। सोचो सूर्य सेन के कष्ट को जरा महसूस करो,
अब सोचो कि इनको फांसी हो चुका है, सीधा फांसी देना था और इनके दांत तोड़ दिए गए, नाखून कवार दिए गए। जब उतनी यातनाओं को ये नहीं सहन कर पाए, बेहोश हो गए, तो उस बेहोशी की अवस्था में इनको फांसी दी गई और परिवार वाले को लाश में नहीं दिया गया, एक बक्सा में लाश डाल के बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। तो सबसे ज्यादा यातना और कष्ट इस सूरीसेन ने सहा इस शस्त्रागार डकैती कांड में। तो अब आप समझ सकते हो कि कितने दुख दिए गए सूरीसेन को, इनके दुख को मेन महसूस करना जरूरी था। चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल डायर हत्याकांड, ध्यान देंगे। जनरल डायर ये वही है जालियांवाला बाग हत्याकांड के मेन, जो यहां पे पंजाब में गवर्नर थे। देखो यहां पे दो बात आपको पहले भी समझाए हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो पंजाब के गवर्नर हैं, सबसे ऊपर हैं, इनका नाम आप लोग सभी लोग जानते हैं, इनका नाम है जनरल ओ डायर। ये पंजाब के गवर्नर, सबसे ऊपर ओ डायर। अब ओ डायर के नीचे कई सेना के हेड है, उसी सेना के हेड में एक व्यक्ति है जिनका नाम है रेजिनोल्ड डायर, रेजिनोल्ड डायर। अब देखो रेजिनोल्ड डायर ये लेफ्टिनेंट रैंक का है और ये सेना का हेड है, और ये ओ डायर ऊपर गवर्नर है। अब देखो सबसे ऊपर ओ डायर है, और जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश रेजिनोल्ड डायर ने दिया था, ओ डायर ने नहीं। कई बच्चे सोचते हैं ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, तो नहीं, रेजिनोल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। और इसी कारण से रेजिनोल्ड डायर को एक पद का डिमोशन दिया गया, ओ डायर नहीं कुछ किया था, इसको डिमोशन नहीं था। और एक पद का जब डिमोशन दिया गया तो रेजिनोल्ड डायर यहां से नौकरी छोड़ के लंदन चला गया, और वही इतना मेंटली प्रेशर में रहने लगा कि रेजिनोल्ड डायर, अब सोचो मेंटली प्रेशर से इसको लंदन में ही लकवा मार दिया। और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया उस रेजिनोल्ड डायर की, समझिए कि 1927 में एक जवान व्यक्ति 1919 में गोली चलाने का आदेश देता है, महज 8 साल के बाद, महज 8 साल के बाद ईश्वर के द्वारा ये खुद कष्ट से लकवाग्रस्त होके मर जाता है। तो रेजिनोल्ड डायर को मारने की जरूरत नहीं रही, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया उसको ऊपर वाले ने ही ऐसा गोली चलाया कि जिससे उसका हाथ पैर ही उठना बंद हो गया। उस कष्टकारी मौत से ये रेजिनोल्ड डायर की मृत्यु 1927 में हुई। तो देखिए गोली चलाने का जिसने आदेश दिया वो तो गया, अब इस समय पंजाब का जो गवर्नर है वो जनरल ओ डायर है। अब एक व्यक्ति है उधम सिंह, उधम सिंह की जिद थी कि जितना दोषी रेजिनोल्ड डायर है उतना ही दोषी ओ डायर है, क्यों, हेड है तो इसकी भी गलती रही होगी, बिना इसके परमिशन के इसकी हैसियत नहीं थी कि हजारों भारतीयों को मार दे। और इसीलिए उधम सिंह की भी जिद थी कि हम जनरल ओ डायर की हत्या करेंगे। जनरल ओ डायर जब तक भारत में रहा मजे से रहा, लेकिन जब वो भारत से रिटायर होकर लंदन गया तो उधम सिंह भी लंदन चले गए। भारत में इसकी सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत टाइट थी, और लंदन जब गए तो 13 मार्च 1940 को, देखो ये ओ डायर नहीं जानता था कि हम जो लंदन जा रहे हैं तो मेरे पीछे मेरा मौत भी साथ साथ आ रहा है। और इसी कारण से देखिए 13 मार्च 1940 को कैकस्टन हॉल में ये जो ओ डायर वहां संबोधित कर रहे थे, और वहां जब ये संबोधित कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उधम सिंह अब गेट पर जांच हो रहा है, हॉल में कैसे जाए। तो सोचिए बहुत मेहनत करके उधम सिंह ने एक मोटी किताब लिया, और मोटी किताब के पीछे से पिस्तौल कैसे रखा जाए उसके लिए इन्होंने बीच में एक बहुत बढ़िया डिजाइन से कटिंग किया, दोनों तरफ किताब और बीच के पन्ना में पिस्तौल कटिंग करके रखा हुआ। और सोचो जनरल डायर
एक किताब लेके गेट से जा रहा है, तो गेट कीपर देखा किताब है, जाने दिया कि जाओ, और उस किताब में बीच में ही पूरा बढ़िया से कटिंग करके पिस्तौल रख के ले गए थे उधम सिंह। और इसी हॉल में जनरल ओ डायर को जब भाषण दे रहा था तो गोली चला के इन्होंने हत्या कर दिया, और वहीं लंदन में इनकी फांसी दी गई जब उधम सिंह को। तो ये देखो, जनरल ओ डायर और रेजिनोल्ड डायर दोनों की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बाद अगला नंबर, अब जितना पढ़े हैं इन सभी को बंधन राउंड में बांधेंगे, चूंकि बंधन में जरूरी है। एक नजर तेजी में, कमिश्नर रैंड की हत्या पुणे में, ये प्लेग कमिश्नर था चापेकर बंधु ने किया। किंग्सफोर्ड की हत्या मुजफ्फरपुर में, किंग्सफोर्ड हम लोग देखे कि सेशन जज बना हुआ है, और यह हत्या कौन किए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसमें आपको अभी हमने समझाया कि प्रफुल्ल चाकी ये आत्महत्या कर लिए, लेकिन खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, ये हमने देखा कि कितना मजेदार ये कांड रहा अलीपुर में, इसके लिए सत्येंद्रनाथ बसु वगैरह कई व्यक्ति रहे। जैक्सन हत्याकांड, ये हमने देखा कि ये डीएम थे और ये नासिक में अनंत कन्हरे ने इनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट, आपने देखा कर्नल वाइली, कर्नल वाइली की कहानी आपने सुना कि लंदन में मदन लाल झिंगरा इनकी हत्या किए। लॉर्ड हार्डिंग 1912 दिल्ली में, रास बिहारी बोस और बसंत कुमार, रास बिहारी बोस तो जापान भाग गए, बसंत कुमार बेचारे मृत्युदंड मिला। काकोरी कांड, एक काकोरी और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफकुल्ला खां, हम लोग इनकी कहानी सुन लिए। सोंडर्स हत्याकांड, अभी हम लोग जरा ध्यान दें सोंडर्स के बारे में देखें, ये वही है जो लाला लाजपत राय के मृत्यु का मेन कारण थे, और ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मेन इनका कहे। शस्त्रागार डकैती कांड चटगांव, और सूर्य सेन को हम लोग पढ़े कितने कष्ट देके इनकी मृत्यु दी गई। जनरल डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह के द्वारा किया गया। तो ये पूरा आप इसमें मेन सिस्टम को समझ लिए। अब एक व्यक्ति की कहानी न हो तो ये पूरा अधूरा होगा, और वह व्यक्ति है चंद्रशेखर आजाद। तो थोड़ी बात चुके हम लोग सभी की बात सुन चुके हैं, अब चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं हो तो बिल्कुल ये अन्याय हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ और किस राज्य में हुआ, ये सभी बच्चे को पता होना चाहिए। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है यह 23 जुलाई 1906 में हुआ। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सिर्फ 14 साल के उम्र में असहयोग आंदोलन के समय पहली बार इन्हें गिरफ्तार किया गया था, और जब जज के सामने पेश किया गया चंद्रशेखर आजाद को, तो जज ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो इन्होंने कहा आजाद नाम है मेरा। 14 साल के लड़का की बोली समझ लो, 14 साल का। ये अली राजपुर, बिल्कुल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है अली राजपुर में, और 14 साल के उम्र में यही हमने आपको बताया कि इनसे पूछा गया क्या नाम है, पहली बार देखो जज के सामने पेश, और जज को कहे कि आजाद नाम है मेरा। जज ने सोचा कि आजाद नाम ही होगा बेचारे, तो पूछा कि पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि स्वतंत्रता मेरे पिता का नाम है, स्वतंत्रता मेरे पिता का नाम है, घर कहां है पता बताओ, तो कहे पता मेरा जेल है। अब तुम इतने से समझ लो कि कैसे थे व्यक्ति, 14 साल का व्यक्ति का बोली समझ लो, जज के सामने बोल रहे हैं कि नाम आजाद है, पिता स्वतंत्रता है और पता जेल है। और जज साहब जब ये एड्रेस सुने तो उनका टेम्परेचर हाई है कि अरे इस सबको कौन ऐसा सिखा देता है, अब नाबालिग है, 14 साल का बच्चा है, जेल में भी इसको नहीं भेज सकते हैं। तो पहली बार इनको 15 कोड़े पीटने की सजा दिए, जेल नहीं भेजा जज ने, जज ने कहा कि इसको 15 कोड़ा मारो। और जब 15 कोड़ा लग रहा था तो हर कोड़े के बाद भारत माता की जय बोलने वाले जो थे वो चंद्रशेखर आजाद। अब कई घटनाओं में आप जानते हो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट के नाम से इन्होंने पार्टी गठित किया,
और हिंदुस्तान सोशलिस्ट के नाम से पार्टी गठित किए, भगत सिंह के साथ भी रहे, काकोरी ट्रेन कांड में भी रहे, और अंग्रेज काफी बेसब्री से चंद्रशेखर आजाद को खोज रहा था। और एक बार चंद्रशेखर आजाद, आप सभी लोग जानते हैं, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, यही अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद एक मीटिंग कर रहे थे, और 27 फरवरी 1931 की बात है, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में जब ये मीटिंग कर रहे थे, अंग्रेजों की पक्की सूचना मिली कि वहां चंद्रशेखर आजाद है, चारों तरफ से इनको घेर लिया। और जब ये चारों तरफ से घिर गए तो अपने साथियों को कहा कि तुम सभी भाग जाओ, हम देख लेंगे। बाकी सभी साथी निकल गए, इनके पास जो गोलियां थी लगातार अंग्रेजों पर चला रहे थे, और जब सिर्फ एक गोली बच गई तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरा नाम आजाद है, आजाद थे और आजाद रहेंगे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और अंतिम गोली स्वयं अपने को मार लिए कि हम आजाद थे आजाद रहेंगे, और अपने खुद से गोली मार के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम लोग देखे, आजाद हिंद फौज नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट इनका पार्टी का नाम है, आजाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस की कहानी एक बार उनका भी सुन लेंगे तो पूरे गर्म सिस्टम वाली बात आपका क्लियर हो गया। अब देखो इसमें दो तीन बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक समाचार पत्र आपसे पूछा जाएगा, देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको एकदम ध्यान देना है। आप पहला नंबर जरा ध्यान देना है, ब्रह्ममात जो है बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है सांध्य, वंदे मातरम समाचार पत्र है अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित। आपसे पूछा जाएगा वंदे मातरम समाचार पत्र के प्रकाशन कौन किए, अरविंद घोष। तलवार ये भूपेंद्र दत्त के द्वारा प्रकाशित था। फिर एक और वंदे मातरम है मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, ये भी एक मुख्य रूप से समाचार पत्र चल रहे थे। अब देखो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। पहला नंबर इंडिया हाउस, इंडिया हाउस की स्थापना 1904 में हुई, इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, और इसकी स्थापना लंदन में हुई। लंदन में कोई लड़के को पढ़ना होता था तो उस जमाने में मेन सेंटर इंडिया हाउस था। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया हाउस के संस्थापक लंदन में कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये संस्थापक बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। दूसरा नंबर है अभिनव भारत, 1906 में इसकी स्थापना हुई, बी डी सावरकर, ये भी लंदन में ही अभिनव भारत की स्थापना की। तीसरा नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस, ये तारकनाथ दास, ये मेन इसके संस्थापक थे, और इसकी स्थापना भी कहां हुआ, अमेरिका में। अगला नंबर 1913 में एक मेन संगठन है, आप नाम सुने होंगे गदर, गदर का नाम सभी बच्चे सुने होंगे, और 1913 गदर, ये लाला हरदयाल मेन इसके संस्थापक है, और गदर की भी स्थापना अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में हुआ। आपसे पूछा जाएगा गदर के संस्थापक लाला हरदयाल, कहां गदर की स्थापना हुई, सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका। अगला नंबर हम लोग देखें नेक्स्ट आपके लिए है, यह है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1914 में लाला हरदयाल के द्वारा और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बर्लिन जर्मन में इसकी स्थापना हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, ये राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल अफगानिस्तान में इसकी स्थापना हुई। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो में स्थापना हुई, और यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को 1942 में आजाद हिंद फौज का नाम जो दिए, ये आप जानते हो, इन्हीं का नाम आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस है, और ये टोक्यो जापान में ही इसकी भी स्थापना हुई। तो अब आपके गर्म पंथी वाले जो भी सिस्टम थे आपके कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा एक घंटे का और एक दिन क्लास ले लेंगे जिसमें पत्र पत्रिका और नारा, ये जो स्लोगन है किसने दिया, एक क्वेश्चन यहां से भी मॉडर्न में पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन और कल ले लेंगे।
इसी में एक हम लोग जितने भी पत्र पत्रिका और स्लोगन है ये सबको एक साथ वाइंड अप कर देंगे तो कल आपका सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का अंतिम हिस्ट्री का क्लास होगा और कल पूरा आपका लाइन कंप्लीट। आज करेंट का अंतिम क्लास 7 बजे शाम से होगा, 7 PM में यूट्यूब पर ही लाइव है, सारे बच्चे लाइव रहेंगे। क्लास बढ़िया से समझे तो एक लाइक तो बनता है, लाइक की संख्या आपके कम नजर आ रहा है, तो जिनको भी अच्छा लगा मित्रों तक शेयर करेंगे, एक लाइक कर देंगे। और इसका सभी PDF एप्लीकेशंस पर आपको तो मिल ही जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम पर भी विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर वहां भी आपके ऐड करवा देंगे ताकि सभी बच्चे को मिल जाए। तो चलिए हम आपके साथ कल एक रहते हैं, परसों मैराथन के साथ रहते हैं, 2 दिन आपके साथ और रह लेते हैं, फिर इधर का सिस्टम आपका एग्जाम जिनका दरोगा का है एक वीडियो बना देंगे कैसे दरोगा में कितना रंगे कितना छोड़े कितना प्रेशर ले, तमाम चीज आपको वहां पे डिस्कस कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास अभी यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।